हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बच्चे की दलिया बनाने की रेसिपी, जो आप कम टाइम में कभी भी बना के दे सकते हो और वो भी टेस्टी। तो इसमें मैं ले रही हूँ आधा चम्मच दलिया, एक कटोरी दूध और इसमें आधा चम्मच मैं बटर लूँगी और हल्के चम्मच में थोड़ा सा चीनी लूँगी। तो मैंने ये सब ले लिया है, उसके बाद मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद आपको 10-15 मिनट इसको गैस पे कम फ्लेम करके आपको पकाना होगा। ये जब पक जाएगा तो 5-10 मिनट के बाद, ठंडा होने के बाद, आपको इसमें एक चम्मच सेवई पुरी डाल देना है। ये इतना टेस्टी खाना बनेगा कि बच्चा आपका और भी मांगेगा। ये मैं अपनी बच्ची, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, 4 साल की हो गई है। तो उसको हम इवनिंग टाइम में एक टाइम ही देते हैं, बस शाम के टाइम में देते हैं, क्योंकि ये झटपट बन जाता है, खिल के आती है और ये उसको देते हैं खाने के लिए और बहुत अच्छे से खाती है। आप लोग प्लीज़ दोस्तों एक बार ट्राई कीजिएगा अपने बच्चे के लिए। जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, दलिया नहीं खाते हैं, ये उनके लिए है। मेरी बच्ची दूध नहीं पीती है, ऐसे इसमें इसके प्रोटीन में दूध भी जाता है, बटर भी जाता है और दलिया भी जाता है। और मैं सेरीग्रो इसलिए देती हूँ क्योंकि ये और टेस्टी बन जाएगा, तो सेरीग्रो भी ये खा लेती है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बहुत वीडियो मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, एक हाथ से ऐसे आपको वीडियो कर रही हूँ, एक हाथ से दिखा रही हूँ। तो थैंक यू, देखिए बन के रेडी हो गया है और मैं अपनी बच्ची को ले जा कर खिलाऊँगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपका 10 से 15 मिनट में आपका ये रेडी हो जाएगा ये नाश्ता। शाम के टाइम में आप अपने बच्चे को दे सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत मन से खाते हैं ये। जिनके बच्चे नहीं खाते हैं खाना चावल दाल, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको 2-3 बार भी खिला सकते हो, ये नुकसान नहीं करेगा। तो थैंक यू दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। मेरा